जैन फैंस, डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे तो आई आज की करंट अफेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कि हमारा होने वाला दोस्तों यहाँ पे 11 जुलाई का करंट अफेयर यहाँ पे ठीक है, जिसमें से हमारा दोस्तों आज क्या कुछ खास रहने वाला है। आइए हम बिना देरी के और आगे बढ़ते इसमें ठीक है। जिसमें से हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन ये होने वाला है कि हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 यानी कि 7 जुलाई को यहाँ पे नो डाउट। साथ साथ बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई एंड 4th एंड 6 जुलाई को। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपका 1 जुलाई को यहाँ पे जो है CA एंड GST दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है यहाँ पे ओके। वही पर अगर बात करें दोस्तों जुलाई 2 की, तो इसमें दोस्तों आपका विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। तो इन जुलाई को साथ ही यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यहाँ पे आपका मनाया जाता है ओके। अगर बात करें दोस्तों 4 जुलाई की, तो 4 जुलाई में आपका अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है यहाँ पे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके। और आपका 6 जुलाई को दोस्तों विश्व जोनोसिस दिवस मनाया जाता है इसमें ठीक है नो डाउट। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी यहाँ पे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ठीक है। तो ग्लोबल स्टार्टअप जो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी कि दिल्ली में आयोजित होगी इसमें ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का PDI कितने प्रतिशत बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर हो गया है यहाँ पे ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6, 95 यहाँ पे देख सकते दोस्तों 55% इसमें ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में सनत जसूरिया किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने यहाँ पे। तो अगर बात की दोस्तों यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीलंका के। साथ साथ बात की दोस्तों श्रीलंका से ट्रैफिक जो है आपके श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ वहाँ पे हुआ है यहाँ पे ठीक है। और वनडे में 200 शतक लगाने वाली पहली श्रीलंकाई क्रिकेटर जो है वह प्रथम सिकांका अब बने यहाँ पे ओके। आइए अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में कौन SCO का 10वां सदस्य बना यहाँ पे SCO ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 6 जाएगा यानी कि बेलारूस को ठीक है, बेलारूस बना यहाँ पे ओके। सो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6, 7 यानी कि शिव शंकरी को ओके। साथ साथ दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि स्वप्ना ठीक है, स्वप्ना कलिंगल को स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है यहाँ पे ठीक है। साथ साथ दोस्तों मेखिल मिल्क जो है दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से गेट सिविल को सम्मानित किया गया यहाँ पे ठीक है। सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीती दोस्तों कौन जीती थी आपकी, पी गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम है ओके। सो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है यहाँ पे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संबंध बी के साथ यानी कि ICICI लोमबार्ड ने ओके। आइए अगला क्वेश्चन साथ हो कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है यहाँ पे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। ऑप्शन नंबर आपका बी को जाएगा दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश ठीक है, उत्तर प्रदेश में। साथ साथ दोस्तों इससे जुड़े स्टफेक्ट ये साथियों कि भारत में संपीड़न बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई लीग वल्चर पर केंद्र स्थापित किया जाएगा यहाँ पे ओके। आइए अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों सिंगापुर ने ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे। तो दोस्तों हाल ही में किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता
पुरस्कार मिला है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। ओके आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है यहाँ पे। तो उदय गुफा दोस्तों कहाँ पर स्थित है यहाँ पे, आपके ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में। ओके तो दोस्तों इसे जो इस्टेफेक्ट ये कि सुरमा पहाड़ी यहाँ पे उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी यहाँ पे, और साथ साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की यहाँ पे, नो डाउट यहाँ पे। आई दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने FATF की अध्यक्षता संभाली यहाँ पे। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों एलिसा दे एंडा मदराजो ने। ओके सो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी यहाँ पे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सिक्स, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रेड, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है यहाँ पे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्स, ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने। ओके सो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी यहाँ पे। ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि रचेल रीव्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के करंट बस इतना है दोस्तों यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है तो इस करंट अफेयर की वीडियो अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों डेली करंट अफेयर साथ, तब तो जय हिंद वंदे मातरम।